नमस्कार, मैं हूं अविनाश चंद्रवंशी और आप देख रहे हैं न्यूज प्लस 21। और इस वक्त हम राजधानी रायपुर के दूधाधारी मठ के पास मौजूद है, जहां पर पर्यावरण संरक्षण को लेकर जो ट्रस्ट के लोग हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ जगह पर बस स्टैंड के सामने, नया बस स्टैंड के जो सामने जमीन है वहाँ पर पूरा जो है जल का जो है भराव है, और वहाँ वही उसी की वजह से यहाँ का जो वाटर लेवल है वो निरंतर बना हुआ है। लेकिन शासन के द्वारा आरोप है, शासन पर आरोप है इनके द्वारा कि ट्रस्ट के ही लोग, कुछ जो लोग हैं वो मिलकर जो है उस ज़मीन की बिक्री कर रहे हैं, अवैध रूप से उसको बेच रहे हैं, जिससे वहाँ पर प्लॉटिंग होना शुरू हो गया। और उसी के विरोध में जो है आप देख पा रहे हैं कि बच्चे जो हैं यहाँ पर पर्यावरण के बचाव के लिए सभी यहाँ पर भजन कर जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, भगवान का भजन कर रहे हैं, भक्ति में लीन होकर यहाँ पर एक नए तरीके से जो प्रदर्शन है प्रदर्शन कर रहे हैं। रैली भी निकाले गए थे और अभी कुछ ही देर पर यहाँ पर रैली जो है यहाँ पहुँची और सभी जो है मंदिर के सामने, ट्रस्ट मंदिर के सामने बैठकर जो है प्रदर्शन कर रहे हैं पर्यावरण संरक्षण को लेकर। जाइए जानेंगे इनसे कि क्या मामला है पूरा और किस प्रकार से ये देखते हैं। जय जय। मामला ये है कि मठ की जो ज़मीन है, सारे संपत्ति का सामने जो हमारे आदरणीय महंत दुरुपयोग कर रहे हैं। एक हरा भरा क्षेत्र है, जब एक रायपुर की मात्र जमीन है जहाँ पे दलदली भूमि है, पानी का ऑब्जर्वेशन हो सकता है, हरियाली ग्रीन एरिया है, और ग्रीन एरिया को खत्म नहीं किया जा सकता, व्यक्तिगत रूप से उपयोग नहीं किया जा सकता। कुल मिला के ये मठ की जमीन का दोहन है, क्योंकि 300 एकड़ जमीन को धीरे धीरे महाराज जी बेच दिए, जो कि एक अपराध ही है, क्योंकि वो सार्वजनिक संपत्ति उसका व्यक्तिगत उपयोग नहीं कर सकते। ये हमारा कभी लगभग सप्ताह होने जा रहा है, सत्याग्रह हमारा चला लगातार, हम लोग हमें चाहते हैं बालाजी परिक्रमा लगातार कर रहे, पदयात्रा कर रहे, धीरे धीरे चल रहे। मैंने अन्न त्याग दिया है, सिर्फ जल और फल मैं जीवित अभी अवस्था में जीवित हूँ, और उसी को लेके पूरे संकल्प लेके परिक्रमा कर रहा हूँ कि सद्बुद्धि दे, ताकि हमारे बालाजी भगवान की सद्बुद्धि दे महाराज जी को, और निर्णय परिवर्तन करके उस जो भूमि संरक्षित करके रखे, क्योंकि ऐसा हरियाली रायपुर शहर में कहीं पे भी नहीं है। कुछ लोगों का कहना है कि उसी के वजह से आज जिस जगह पर हम बैठे हैं वहाँ का वाटर लेवल बहुत अच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बता ना कि वो एक ऐसी जगह है जहाँ से आसपास के 10 किलोमीटर का वाटर लेवल बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर जैसे ही पड़ जाएगा, क्योंकि महाराज जी ने पहले ही आम जनमानस को धोखा देके बस स्टैंड ला दिया, जबकि ये हमारे रायपुर की मूल धरोहर है जहाँ से पानी भूमि के अंदर जाता है, अनेक तरह के हजारों जीव वहाँ पे हैं। जब जिस दिन पाटना चालू हुआ, कई सांप अलग अलग भागने लगे, रोड़े मरने लगे, कुछ नेवले हैं उसमें केच में, अनेक तरह के जिसकी हत्या का भी दोष एक संत और महात्मा को लग रहा है। आगे कब तक का ये जो आपका जो प्रदर्शन है वो रहेगा, और किस आगे क्या दृष्टिकोण है, अगर यहाँ पर अगर आप सही एक्शन नहीं होता है, सरकार से सही जो रिस्पांस नहीं मिल पाता है, तो आप क्या करेंगे? सही रिस्पांस नहीं मिलेगा तो मठ के सामने अग्निदाह करूँगा मैं। सही रिस्पांस मिलना चाहिए, क्योंकि मैंने अपने व्यक्तिगत के लिए नहीं कर रहा हूँ, इस पूरे क्षेत्र के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि महाराजा बंद तालाब को भी इस तरह से उन लोग उसी प्रकार से पाटने का प्रयास करें, उसी तरह से जो मेन मूल दलदली जहाँ से भाटा गांव क्षेत्र से, और बहुत अच्छा जो लोग सुबह घूमने आते हैं वहाँ पे, लोग आनंद लेने आते हैं, एक अलग अनुभूति होती है। गर्मी के समय वहाँ का टेम्परेचर डाउन रहता है, वहाँ भी से पूरे वाटर लेवल अच्छा रहता है, लोग वहाँ प्रसन्नता महसूस करते हैं। भाटा ग्राउंड में लोग तो एक्सरसाइज करने आते हैं, वहाँ पे कांक्रीट का जंगल बन जाएगा, लोग वहाँ वाहन बढ़ जाएगा, अपराध बढ़, वैसे बर्षण आने से अपराध बढ़ गए, और व्यवस्था अनुकूल नहीं होगी, और फिर लोग ग्रामीण क्षेत्र तक भागने शुरू कर देंगे। शिकायत ये भी है कि जब से बस स्टैंड आया है वहाँ पर नशे के जो सौदागर हैं वो यहाँ पर बैठना शुरू हो गए हैं, और कहीं ना कहीं ट्रस्ट की अच्छी भूमि पर, और वहाँ पर जो है एक माहौल जो है खराब हो गया। बिल्कुल 100% के अपराध बढ़ गए। मेरे सामने चैन चोरी हुआ, हमारा एक मोबाइल चोरी हुआ, और वर्तमान में कल ही हमारे मंदिर से हमारे रहते में सामान चोरी हो गया। लगातार चोरी छेड़खानी रात में, अवैध काम उस बस स्टैंड के अंदर चल रहा है, कई अपराधी तत्व वहाँ पे आ रहे लगातार आ रहे। हम पहले भी उसका विरोध करते थे, पर कहीं ना कहीं आदरणीय महंत राम सुंदर दास जी ने यहाँ की जनता के साथ छलावा किया, और सार्वजनिक संपत्ति को बिल्कुल दान नहीं कर सकते, ना बेच भी नहीं सकते। उन्होंने बेचा भी, जमीन भी पाया, और भामाशाह अवार्ड ही पा लिया उन्होंने। सारी संपत्ति को दान कर कैसे भामाशाह बन सकता है, तो सीधी सारी संपत्ति को। अब यहाँ जब बालाजी की यात्रा निकलती है, जब रावण भाटा में दशहरे के समय बालाजी ने संपत्ति किसको बोलेंगे, तो क्यों महाराज जी धोखा दे रहे हैं एक, क्योंकि उनको भविष्य में विधायक का टिकट पाना है, एक बड़े धनबल की आवश्यकता पड़ती है, 10 जनपद तक धन पहुँचाना है, तो स्वाभाविक है मठ की संपत्ति बेच बेच के वो अपनी राजनीतिक को चमका रहे। लेकिन अग्निदाह का जो फैसला आप जो कह रहे हैं कि अगर आगे अगर नहीं होता, लेकिन ये आप तो इन सबकी ताकत है, यहाँ पर जो लोग जितने भी हैं सबकी ताकत है, आप आवाज़ उठाएंगे तो आज ये बच्चे इतने सारे जो बैठे हुए हैं वो फिर उनको आवाज़ उठाने के लिए कौन रहेगा, वो सब युवा हैं, कहीं ना कहीं इस क्षेत्र के भविष्य हैं, जो आपके ही संरक्षण में आज यहाँ पर बैठे हैं, कल इस चीज़ को सीख कर वो आगे बढ़ेंगे और उसकी सुरक्षा करेंगे। जब राक्षस नहीं सुनता तो फिर ऐसा कोई कदम उठाना पड़ता, सबसे अंतिम पड़ाव है वो। हमको पूरी बालाजी भगवान पे उम्मीद है कि वो निर्णय परिवर्तन करेंगे, और पूरी अपेक्षाओं के साथ परिक्रमा करेंगे। हम देवता की परिक्रमा करें, देवता को मना रहे हैं यहाँ पे, कि वो उनको सद्बुद्धि दे,
बालाजी भगवान से अपेक्षा करके परिक्रमा कर रहे हैं, उनके सामने मन्नत कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, और लगातार हम कुछ ना कुछ करते जा रहे हैं कि बालाजी प्रसन्न हो और उस जो मन बुद्धि व्यक्ति जो वहाँ मठ मठाधी बन बैठा है उसको सद्बुद्धि दे। मतलब भक्ति में जो शक्ति मिलती है उसी से आप प्रहार करेंगे और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। प्रथम प्राथमिकता भक्ति से ही करने का है, हमें पूरा अपना ईश्वर भगवान पूरा विश्वास है, प्रकृति पे विश्वास है, जिस प्रकृति जीवों के लड़ रहे हैं उनकी उस आस्था पे विश्वास है, तो स्वाभाविक है कि हमको सफलता मिलेगी। भले संघर्ष लंबे समय तक चले पर हम पूरी उम्मीद करते हैं कि हमको सफलता क्या, प्रकृति को सफलता मिलेगी, हमें क्या मिलेगी, सब जनमानस सफलता मिलेगी और प्रदेश के लिए ये जो लड़ाई है आदर पशु की, क्योंकि भविष्य में बहुत सारे तालाबों को बहुत सारे डबरू टापने का जो प्रयास है उसको विरोध करना चालू कर देंगे। और भी हमारे साथ कुछ जो लोग हैं यहाँ पर मौजूद हैं और वो लगातार इस चीज़ के पर्यावरण के बचाव के लिए और ट्रस्ट की ज़मीन है और उसको किसी एक व्यक्ति के द्वारा सिर्फ अपने अच्छे परिचय के लिए या शासन प्रशासन में बैठने के लिए उसका दुरुपयोग करे तो ये कतई कोई भी जो है इसको अपनाना नहीं चाहेगा। और भी हमारे साथ लोग हैं, क्या कहेंगे आप? ये एक सार्वजनिक धरोहर है, तीर्थ स्थल है, धार्मिक स्थल है, जो धार्मिक स्थल जो मठ की ज़मीनें हैं वो यथावत रहे हमारी मांग है। हमारा सिर्फ यही विरोध है कि आज की डेट में देख रहे हैं कि आज वायु प्रदूषण से बचाने के लिए, वाटर लेवल को बचाने के लिए, इस मठ की ज़मीन को बचाने के लिए ये हमारे बच्चे देख रहे हैं उन्होंने, हालांकि ये सार्वजनिक कार्य है, हम जनहित में कार्य कर रहे हैं, जनता को जागरूक करने के लिए कर रहे हैं, ये सबके हित के लिए है, सर्वधर्म हिताय वाला बात है ये। आज ये आंदोलन है, आज एक सप्ताह हो गया, हमारा सिर्फ और सिर्फ यही अनुरोध है ये जैसा है एज इट इज वैसे ही रहे, हमारा और कोई कि इसी को ना बेचे और पर्यावरण और जल वाटर लेवल का वो जो है वो ना ख़राब हो, आने वाले फ्यूचर में कंक्रीट का जंगल ना बने, यही हम लोग सभी का एक विचार है। जल है तो जीवन है और जीवन है तो हम ही है, और जितने भी पर्यावरण है जो भी है सब स्वच्छ रहे, स्वच्छ रहे और जहाँ भी है सब अच्छे से ही रहे, पर्यावरण सुरक्षित रहे, यही हम चाहते हैं। तो ये तमाम हमारे साथ जो लोग हैं जो इस पर जुड़े हुए हैं, और एक सबसे अच्छी बात है कि सभी जो है इस धरती माँ के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, पर्यावरण के बचाव के लिए लड़ाई जो है लड़ रहे हैं, यहाँ पर बिना अन्न लिए जो है महाराज जो हैं वो अनशन पर हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ पर। और एक नया जो ये है कि संगीतमय जो राम की भक्ति, हरे कृष्णा हरे धाम की भक्ति कर जो है वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, और इसके बाद भी अभी तक जो है सरकार के तरफ से कोई भी सही जो निर्णय है इनके पक्ष में नहीं आया है। ये भी ये बड़ा आरोप है कि ट्रस्ट के मुखिया के द्वारा ही ज़मीनों को जो है वो बेचा जा रहा है, और लगातार जो है इसमें आज ट्रस्ट की लगभग कई सारी जो ज़मीन है वो बिक चुकी है, और इसके विरोध में ये जो है यहाँ पर बैठे हुए हैं। कैमरा पर्सन दिलीप कुमार सिन्हा के साथ अविनाश चंद्रवंशी, न्यूज़ प्लस 21, आपके हक की बात।